हाँ जी फ्रेंड्स, आपां कोल 4 मार्च नू होण वाला इंग्लिश दा पेपर आ गया, तुहाडा 11वीं क्लास दा, जिहड़ा 4 मार्च नू यानी कि कल होना। सारा पेपर आ गया फुली सोलवड, सारा सल्यूशन करावांगे। 80 विचों 80 नंबर आणगे तुहाडे, 80 विचों 80 नंबर आणगे। 4 मार्च दा पेपर साडे कोल आ गया, 80 विचों 80 नंबर आणगे। पेपर स्टार्ट करन तों पहलां अगर तुसी पक्के पेपर दी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो इंग्लिश दे, तां इह साडा वट्सएप ग्रुप है अकाल स्टडी नाम ते। नीचे दिते हुए नंबर ते तुसी वट्सएप मैसेज कर सकते हो, 9874-24494। सारा पेपर तुहानू मिल जाएगा, मैसेज कर दो, ग्रुप नाल जुड़ो। स्टार्ट करते हैं पेपर। 10 नंबर दा पैसेज आवेगा, ये पैसेज स्क्रीन ते दिता होया, आपां इस पैसेज दे आंसर करते हैं जी, क्वेश्चन आंसर करते हैं। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट ने, यही पेपर तुहाडा 4 मार्च नूं आवेगा। तो वीडियो नूं स्किप ना करो, अगे फ्रेंड्स नाल भी शेयर कर दो, चैनल नूं सबसक्राइब कर दो। फस्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फस्ट स्टेट विद हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। राइट आंसर है डी ऑप्शन, केरला। सैकेंड, वेयर वाज ए पायलट प्रोजेक्ट स्टार्टड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। थर्ड, विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क द स्टार्ट ऑफ वर्ल्ड लिटरेसी ईयर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वीपी सिंह। फोर्थ, दिस पैसेज इज अबाउट लिटरेसी। ट्रू। फिफ्थ, हाउ मैनी वर्ड्स ऑफ ए टेक्स्ट वर्ड टू कॉपीड पर मिनट। राइट आंसर है इहदा 7, 7 वर्ड पर मिनट च कॉपी करदा। फुली सोलवड पेपर है, फ्रेंड्स नाल वध तों वध शेयर कर दो। पंजवें दा राइट आंसर किन्ना सी, 7। सिक्स्थ, द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी प्रेस द इशू ऑफ लिटरेसी डैश। ट्रू और फॉल्स। राइट आंसर है ट्रू। नैक्सट नैक्सट, असीं पैसे दे अंदरों एक क्वेश्चन दिते हुए ने, 3 इन्हां दे आंसर देखने ने। 7 दा आंसर देखो, विच रीजन ऑफ केरला वाज सिलेक्टेड फ्रॉम द पायलट प्रोजेक्ट। राइट आंसर है एर्नाकुलम। 8, विच लैंग्वेज वा प्रेफर्ड फॉर रीडिंग इन एर्नाकुलम। राइट आंसर है मलयालम। 9th, हाउ मैनी वलंटियर फैंड आउट टू ट्रैक डाउन इलीटरेट्स। पहला वलंटियर की गिनती देख लो, वलंटियर की गिनती इन्नी है जी, तो इलीटरेट्स की गिनती इन्नी है। यह 9वें का आंसर है कंबाइंड। नैक्सट, इन विच ईयर द जर्नल लिटरेसी रेट केरला वाज 70%। राइट आंसर है 1981। सारा पेपर तुहाडा 4 मार्च का, फ्रेंड्स नाल शेयर कर दो वध तो वध। पीडीएफ तुहानू प्रोवाइड कर दिती जाएगी, नंबर ते तुसी मैसेज कर सकते हो। नैक्सट, 6 नंबर का पैराग्राफ आना, पेंसिलिन वाला पैराग्राफ आना। ये मैं भी तुहानू करवा देना, पर तुहाडी बुक के अंदर भी दिता होया पेंसिलिन वाला पैराग्राफ। एक पेंसिलिन वाला इंपोर्टेंट है, तो एक हैल्थ ते हाइजीन वाला। वह भी आपने एक सैंपल पेपर बनाया होया, अगर तुसी वह सैंपल पेपर ही चाहते हो तो तुसी मैसेज कर सकते हो। ये आंसर देखो जी, पेंसिलिन वाले पैराग्राफ के आंसर देखो। फस्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैकेंड का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नैक्सट, थर्ड क्वेश्चन, हाउ वॉज पेंसिलिन हेल्पफुल इन वॉर। राइट आंसर होगा पेंसिलिन कैन सेव द वाउंडेड सोल्जर्स। फोर्थ, हु बेनीफिटिड फ्रॉम द यूज ऑफ पेंसिलिन। मोस्ट पीपल बेनीफिटिड। फिफ्थ, द डैश गिवन बाय सेव्ड माई लाइफ। राइट आंसर होगा पेंसिलिन। सिक्स्थ, मेच द कोलम। एट द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हेल्प, ते प्रजेस द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मैथड। सैक्शन ए कंप्लीट हो गया साडा, सैक्शन बी करांगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है सैक्शन बी। तो तुहानू मैं दसदा, तुसी 9874-24494 नंबर पर वट्सएप मैसेज करके ये पेपर प्राप्त कर सकते हो, वट्सएप ग्रुप नाल जुड़ सकते हो। ठीक है जी,
ਤਾਂ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ, ਸੇਲ ਆਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸੈੱਟ। ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ, ਟੀਵੀ ਫੋਰ ਸੇਲ। ਸੈਮਸੰਗ ਟੀਵੀ 5 ਇੰਚ ਇਫ ਫੋਰ ਸੇਲ ਏ ਬ੍ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਲਰ, ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਫ ਫੋਰ ਆਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਾਲੀ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋਟਿਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਨੋਟਿਸ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਫਾਊਂਡ ਏ ਵੋਚ, ਫਾਊਂਡ ਏ ਵੋਚ ਜਾਂ ਲੋਸਟ ਏ ਵੋਚ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਫਾਊਂਡ ਅਤੇ ਲੋਸਟ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੋਸਟ ਇਜ਼ ਫਾਦਰ, ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੁੱਕ ਵੋਰਮ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਸੀਨ ਗੇਮਸ ਵਾਲੀ। ਦੋਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਬਸ ਪਹਿਲਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਖੋ, ਫਾਊਂਡ ਏ ਵੋਚ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਲੋਸਟ ਏ ਵੋਚ ਜਾਂ ਫਾਊਂਡ ਏ ਵੋਚ ਵਾਲਾ ਨੋਟਿਸ। ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਦਰ ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਦੂਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਵੋਰਮ ਵਾਲੀ, ਟੇਕ ਪਾਰਟਸ ਇਨ ਗੇਮ। ਦੂਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟੇਕ ਪਾਰਟਸ ਇਨ ਗੇਮ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਵੋਮ ਵਾਲੀ, ਦੋਵੇਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਬੁੱਕ ਵੋਮ, ਟੇਕ ਪਾਰਟਸ ਇਨ ਗੇਮ, ਬ੍ਰਦਰ, ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਦੋਵੇਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਗਰਾਮਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਫਸਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਰਾਈਟਰ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਲੇਖਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਵਰ ਦਾ ਬੋਇਜ਼ ਹੈਪੀ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਫਸਟ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਡੂ ਯੂ ਲਿਵ ਇਨ ਏ ਰੈਂਟਡ ਹਾਊਸ। ਸੈਕਿੰਡ, ਬੱਚੇ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਦ ਚਿਲਡਰਨ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਦ ਚਾਈਲਡ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਾਈਂਗ। ਨੈਕਸਟ ਗਰਾਮਰ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਗਰਾਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੋਲ ਡਿਟਰਮੀਨਰ ਨੇ। ਫਸਟ ਦੇਖੋ, ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਵਿਦ ਸਟੇਬਲ ਡਿਟਰਮੀਨਰ। ਡਿਡ ਹੀ ਗਿਵ ਯੂ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਐਨੀ, ਐਨੀ ਮਨੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਡੈਸ਼ ਓਨੈਸਟ ਮੈਨ, ਐਨ ਓਨੈਸਟ ਮੈਨ, ਐਨ ਵੋਲ ਵਰਲਡ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੋਲ ਵਰਲਡ ਵਾਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਐਨ ਆਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੀ, ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਵਿਦ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਹੀ ਲਿਵਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸੀ, ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਵਿਦ ਦ ਸਟੇਬਲ ਮਾਡਲ, ਅੱਗੇ ਮਾਡਲ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਪੇਪਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਫਸਟ, ਡੈਸ਼ ਆਈ ਗੋ ਹੋਮ ਨਾਓ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇ, ਮੇ ਆਈ ਗੋ ਹੋਮ ਨਾਓ। ਅੱਗੇ ਡੀ ਵਾਲਾ, ਇਨ ਵਿੱਚ ਓਵ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੈਂਸ ਦਾ ਵਰਡ ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਯੂਜਡ ਐਜ਼ ਏ ਨਾਊਨ, ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਆਈ ਰੀਡ ਏ ਬੁੱਕ ਬਿਫੋਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੈੱਡ, ਈ ਆਪਸ਼ਨ। ਫਿਲ ਇਨ ਦਾ ਬਲੈਂਕ ਵਿਦ ਕਰੈਕਟ ਫੋਰਮ ਓ ਵਰਬ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਸੇਵਸ, ਸੇਵਸ ਕੀ ਭਰਾਂਗੇ ਉਰੇ, ਸੇਵਸ। ਦੇਖੋ ਗਰਾਮਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ
सौखे तरीके नाल एक्सप्लेन करके करा रहा, कोई नहीं करा सकता पूरे यूट्यूब दे। नैक्सट, क्योंकि आती नहीं किसी री राइट द स्टेंस यूजिंग टू, उन्हें स्टेंस दिता हुआ इन्हू टू करके लगा के बनाना, केड़ा स्टेंस है वह भी देख लो। ही इज सो प्राउड डैट ही वोंट बैग, यद राइट आंसर होगा ही राइट आंसर देखो यदा ही इज टू प्राउड टू बैग, ठीक है जी, ही इज टू प्राउड टू बैग। अगे शी इज टू ट्राई टू रन, शी इज टू ट्राई टू रन, हूँ यदा सो ला के बनाना, यदा बनावेंगे शी इज सो ट्राइड डैट शी कांट रन, ठीक है जी। अगे चेंज द वॉइस, चेंज द वॉइस आ गए, द न्यूज सरप्राइज्ड मी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आई वॉज सरप्राइज्ड एट दिस न्यूज। सैकेंड, आई कैन सोल्व ऑल द सम्स, राइट आंसर यदा की होगा ऑल द सम्स कुड बी सोल्वड बाय मी। नैक्सट नरेशन आ गई जी, शी सैड टू मी आई विल गो टू डेली नैक्सट वीक, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तीजा, शी टोल्ड मी डैट शी वुड गो टू डेली फॉर द फॉलोइंग वीक। नैक्सट, शी सेज द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, राइट आंसर होगा थर्ड, She says that the earth moves around the sun. दोवां दा तीजा तीजा ऑप्शन है, दोवां दा। नैक्सट सैक्शन सी, सैक्शन सी सब तो इंपोर्टेंट, ये भी असी फुली सोलवड करांगे, फुली सोलवड। नैक्सट फर्स्ट वाले दा आंसर, डैश आई राइट ए लैसन द अर्थ इज नोट अवर्स, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कॉफी अन्ना। सैकेंड, इंडिया इज द नंबर वन प्रोडक्शन मिल्क, सैकेंड का राइट आंसर है मिल्क। थर्ड, हाउ मैनी मनी डिड सुधा मूर्ति कलैक्ट फ्रॉम एवरी वन हु वॉन्टड ए साड़ी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 30 rupees। फोर्थ, वी कांट हैव लिबर्टी विदाउट डिसिपलन, राइट आंसर यदा ट्रू होगा। फिफ्थ, हु अनकंप्लिश्ड द राइटर टू द विलेज, ठीक है। सिक्स्थ, द एस्ट्रोलॉजर वॉज एन एक्सपर्ट इन एस्ट्रोलॉजी, फॉल्स। सेवन्थ, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी स्पैरो, राइट आंसर है के ए अब्बास। फुली सोलवर्ड है, फुली सोलवर्ड, बाकी ये दो रह गए, इन्हों का तुसी खुद कर लो नीचे। नैक्सट देखो, स्टेंजेस ने पोएम दे स्टेंजेस, दो स्टेंजे दिते हुए ने, फिर उन्होंने आंसर देने ने क्वेश्चंस दे, ठीक है। आप इन चो एक कर लें सल्यूशन, यदा पहले वाले का सल्यूशन देखो स्टेंजे का। गिव द नेम ऑफ द पोएम एंड पोएट, द नेम ऑफ द पोएम इज लीनियर राइटिंग इन अर्ली स्प्रिंग, नेम ऑफ द पोएट इज विलियम वर्ड वर्थ। सैकेंड,
वाई इज़ द पोएट ग्रीव्ड? द पोएट ग्रीव्ड टू थिंक दैट वी मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। इन्हें आंसर ने यह तुसी कर लियो, ठीक है। लो जी ये चौथे वाला, तीन ए रहे ते चौथा ए रहा। नैक्सट नैक्सट पार्ट के अंदर क्वेश्चन आंसर आ गए ने, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वन बाय वन सल्यूशन देखो इन्हों का। पहला क्वेश्चन रीड कर लो एक बार। वट डिड ग्रैंड मदर डू फ्रॉम सनराइज टू सनसैट? सैकेंड, वट इज डिसिपलन? थर्ड, वट इज कलाम सैकेंड विजन फॉर इंडिया? फोर्थ, वट कोर्स वाज द ऑथर परस्यूइंग एट द इंडियन इंस्टीट्यूशन? फिफ्थ, वट आर द डेंजर ऑफ ग्लोबलाइजेशन? सिक्स्थ, नेम द फाइव रेसिपिटेंट ऑफ परमवीर चक्रा। सल्यूशन देखो इन्हों दे। आंसर मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दिते ने पहले का आंसर, ठीक है ना। सारा पेपर यही आना, तो वीडियो शेयर कर दो वध तो वध। पहले का आंसर की है, शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटेड पैरल प्रेयर्स रिसाइटिंग प्रेयर्स फ्रॉम सनराइज टू सनसैट। सैकेंड देखो, वट इज़ डिसिपलन? डिसिपलन इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रेनिंग पीपल टू ओबे रूल्स एंड ऑर्डर्स एंड पनिशिंग दैम इफ दे डू नॉट ओबे दैम। नैक्सट देखो थर्ड, कलाम्स सैकेंड विजन? कलाम्स सैकेंड विजन फॉर इंडिया इज डिवेलपमेंट। नैक्सट, वट कोर्स वाज द ऑथर परस्यूइंग एट द इंडियन इंस्टीट्यूशन? एदा आंसर देखो, क्वेश्चन है, द ऑथर वाज परस्यूइंग मास्टर कंप्यूटर इन कंप्यूटर साइंस एट द इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस बेंगलोर। नैक्सट, वट आर द डेंजर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन? क्राइम्स, ड्रग्स, टेररिज्म, डिसीजेज, वेपन्स। नैक्सट, नेम द फाइव रेसिपिएंट्स ऑफ परमवीर चक्रा, जिन्होंने परमवीर चक्र मिले उन्होंने नाम लिखने ने। मेजर सोमनाथ शर्मा, लेफ्टिनेंट कर्नल ध्यान सिंह थापा, हवलदार अब्दुल हामिद। नैक्सट, वट वाज बलदेवस एक्स लाइक? बलदेवस एक्स वॉज ए स्मॉल एंड फ्रीगल बट वेरी डेडली वेन इन यूज। नैक्सट, वट क्वालिटी मेड हरिग्यू एरिक्सन पॉपुलर विद मैन एंड वूमेन? हरिग्यू एरिक्सन वॉज वंडरफुली गुड लुकिंग, ही हैड क्यूरली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन हेयर। मेरी आवाज़ तां करके तुहानूं साफ नहीं आ रही क्योंकि मेरा गला खराब है, ठीक है। सारे क्वेश्चन के आंसर तुहानूं करा दिते ने, PDF तुहानूं इहदी प्रोवाइड कर दिती जाएगी। नैक्सट वड्डे क्वेश्चन देखो, बस पेपर खत्म हो गया, थोड़े वड्डे क्वेश्चन रह गए, वो देख लो एक बारी। करैक्टर स्कैच करना पेन पोर्ट्रेट ग्रैंड मदर का, करैक्टर स्कैच करना सुधा मूर्ति का, करैक्टर स्कैच करना टूसी एस्ट्रोलोजर का, करैक्टर स्कैच करना रहीम खान का। चार क्वेश्चन ने, सल्यूशन तुहानूं दस दिंदे हां। हुण ग्रैंड मदर का करैक्टर स्कैच ये तुसीं कर लिओ, तुहानूं आंदा ही है वैसे सारा। ग्रैंड मदर का करैक्टर स्कैच, ठीक है जी। नैक्सट, सुधा मूर्ति का करैक्टर स्कैच, सुधा मूर्ति का करैक्टर स्कैच। नैक्सट, ग्रैंड मदर का तो कर लिया असी, ग्रैंड मदर का तो कर लिया। नैक्सट देखो, एस्ट्रोलोजर का करैक्टर स्कैच, एस्ट्रोलोजर का करैक्टर स्कैच वेरी इंपोर्टेंट है, एस्ट्रोलोजर का करैक्टर स्कैच। रहीम खान का करैक्टर स्कैच, रहीम खान का एस्ट्रोलोजर का, ठीक है जी। धन्यवाद जी।